हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टेरिडोफाइटा। प्रीवियस वीडियो में हमने टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करा था, आज करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं आर द मोस्ट प्राइमेटिव होते हैं, और जब मोस्ट प्राइमेटिव होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, वैस्कुलर लैंड प्लांट्स या वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ क्या है, इसका जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो आपको क्या स्टडी करने वाले हैं, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा के बाद। और इससे पहले क्या करा था हमने, ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, अब दे आर प्लेस अ ब्रिज पोजीशन बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, तभी मैंने बताया, यानी कि ब्रिज का काम करता है ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स में। अगर इस ग्रुप्स की बात करें तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो टेरिडोफाइटा में आते हैं वो अधिकतर यूज होते हैं डेकोरेटिव प्लांट के रूप में, इनका यूज किया जाता है। जैसे कि फर्न का यूज़ कराया जाता है, आपको डेकोरेट प्लांट के रूप में यूज़ कराया जाता है। और साथ ही साथ ये फर्स्टली सर्वप्रथम टेरिस्ट्रियल पर उगने वाले प्लांट्स थे, टेरिस्ट्रियल पर उगने वाले प्लांट्स थे जो सिर्फ टेरिस्ट्रियल पर, और इन्हीं में क्या पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों पाए जाते थे, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, टेरिस्ट्रियल प्लांट थे, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट थे, ठीक, फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट थे। अगर हम फॉसिल्स के ऊपर जाएं तो ये मानते हैं लगभग 150 मिलियन ईयर एगो, किसकी बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइटा की, इसके फॉसिल्स मिले हैं। मैक्सिमम कैसे होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, टेरिस्टल होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो मॉइस्चर और शैडो में उगते हैं। अब जैसे कि मैं एक्वेटिक की बात करूं तो एक्वेटिक में आपका कुछ प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में कैसे होते हैं आपके, जैसे अजोला है, मार्सिलिया है, ठीक है, ये किस में उगते हैं, यानी कि वाटर में। साथ ही साथ यानी कि एग्जांपल अगर दें एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक में आपके कौन से आते हैं स्टूडेंट्स, एक्विट में आते हैं आपका एजोला, आपका मार्गेंसिया, सॉरी मार्सिलिया, आपका कौन सा आता है, मार्सिलिया आता है, एजोला आता है, और इसके साथ साथ मार्सिलिया हो गया आपका। अब बात करें हम किसकी, ये तो एक्वेटिक हो गई एजोला वगैरह। अगर बात करते हैं हम किसकी, टेरिस्ट्रियल की, तो टेरिस्ट्रियल में आपका इकोसिस्टम आ गया, आपका क्या गया, इकोसिस्टम, कौन सा रहा, इकोसिस्टम आता आपका टेरिस्ट्रियल में। टेरिस्ट्रियल में जितने प्लांट्स होते हैं आपके टेरिस्ट्रियल प्लांट्स आपके इकोसिस्टम आपका इकोसिस्टम हो गया। इसके अलावा सेलेजिनेला हो गया आपका स्टूडेंट्स, सेलेजी नेला, ठीक है, इकोसिस्टम सेलेजी नेला ये होते हैं। अब ये जो मुख्य रूप से प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, स्पैरोफाइट होते हैं, स्पैरोफाइट होते हैं। क्यों होते हैं स्पैरोफाइट, क्योंकि इसमें आप इसको रूट में, स्टेम में और लीफ में, रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा को ऐसा उसकी रूट को डिवाइड नहीं कर सकते। उसकी रूट कैसी होती थी, राइजोट, राइजोट टाइप की होती थी। जाइलम फ्लोएम होते हैं, वेसल्स होती हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं इसके अंदर, इन इन प्लांट्स के अंदर जो सीड कैसे होते हैं, फ्लावर से नहीं बनते, इसलिए इन्हें सीड लेस कहते हैं। कैसे होते हैं, सीड लेस होते हैं स्टूडेंट, कैसे होते हैं, सीड लेस होते हैं और फ्लावर लेस होते हैं, सीडलेस और फ्लावर लेस प्लांट होते हैं, इसलिए इन्हें सीडलेस और फ्लावर लेस प्लांट भी कहते हैं, सीड भी होता फ्लावर भी नहीं होता। इसको जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं, माइक्रोफिल होती हैं, जैसे सेलेजिनेला में कैसी होती हैं, माइक्रोफिल होती हैं। कुछ में कैसी होती हैं, मेगाफिल होती हैं, यानी बड़ी होती हैं, वो किस में होती हैं, फन वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टेरिडोफाइटा का हमने कुछ शॉर्ट में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।